गाइस मैंने सोच लिया ये वीडियो ऑन डिमांड है बोलूंगा ना गाइस मेरे को मामा जी ने प्रेरित किया इस चीज के लिए सो अरे बताओ भी बताओ अरे ना ना भाई प्लीज भाई ना अरे प्लीज बताओ भी नहीं मेरी होता होगा तो बनाओ बता अरे बताओ भी क्या बताऊँ त्रिवेणी वाली मंदिर की तो मैंने बना ली आज गाइस मेरे को मामा जी ने प्रेरित किया इस चीज के लिए सो पल रही मामा जी ना जो वीडियो आएगी स्पेशल आएगी ये मैंने सोच लिया गाइस मैंने सोच लिया ये वीडियो ऑन डिमांड है मेरे पास बहुत लोगों का मैसेज आया था जैसा कि मामा जी ने बताया कि इनकी वीडियो अलग से बनाई जाए तो ये वीडियो स्पेशल बनाई जा रही है मामा जी के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इसकी डिमांड की थी और सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड की है मामी जी ने। मामी जी कह रही थी कि मैं तो अपने घर गई हूँ मेरे पति देव पीछे से क्या कर रहे हैं। ये वीडियो जाएगी मामी जी के पास तो मैं बस मामी जी को इतना बताना चाहता हूँ मामा जी सर वाले खेत में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सरो लगी है। मेरे बस की बात नहीं है मेरे बस की बात नहीं है सच में गाइस मामा जी तो कल अपनी वीडियो देखेंगे और फिर ऐसे करेंगे लालो इंगाला। सो गाइस ये है फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री की कैसे ब्लॉगिंग की जाए तो मुझे बस मामा जी बताएंगे। बताइए सर आप क्या बताइए जो मन में थोड़ा सा खुले दिल से बोल दो क्योंकि जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे ना मंजे बैठे होंगे जिक्र यूँ चलेंगे ना यूँ उस टाइम आप देखेंगे यार मैंने ये जिंदगी भी जी रखी क्योंकि मैंने अपनी 2 महीने बाद पहले वाली वीडियो देखी उसमें मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म था तो आप वाली मेरे को बहुत अच्छी लगती है तो इसके बारे में आप बताइए कुछ। आप इधर से काले आ रहे हैं थोड़े गोरे चिट्टे हो जाइए उस साइड से सनलाइट आ रही है सर ये भी एक फैक्ट है कि सनलाइट के अपोजिट साइड में खड़ा हो जाए। I'm just joking guys, just joking. हाँ जी मैं आज बरसीन काट रहा हूँ ये मामा जी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। बहुत दिनों के बाद आज खेतों में बैठने का मौका मिला है हाँ सही है मैं तो भाई बाल बाल मैं तो बाल खजा रहा हूँ तो गाइस ये पहली डॉक्यूमेंट्री की दूसरी वीडियो हमें पहली वीडियो देख के बहुत हंसी आई इसी के साथ हम दूसरी वीडियो शूट कर रहे हैं थोड़ी अच्छी बनाएंगे। आप मामा जी हाँ रुक जब कोई ऐसा हो ना मुद्दा हो ना कि घूमने फिर ऐसा और किसी चीज़ के ऊपर टॉपिक हो तभी तो करना। अरे मामा जी है मेरे पास टॉपिक। सो गाइस आज हम आए हैं मामा जी के साथ खेतों में घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा आज आपका हम ये खेत वगैरह दिखाएंगे हरियाली दिखाएंगे नेचुरल एरिया। मामा जी के बैक साइड पे चलते रहो कौवा बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। आज हम आए हैं सरसों के खेतों में आइए हम दिखाते हैं आपको सरसों का खेत जहाँ पे हमने बरसीन भी बो रखी है सही है और बरसीन से उगाने के लिए क्या लगा रखा वो यहाँ से हम अगर नेचुरल देखें हमारी आँखों को भी कुछ ताजगी महसूस होती है। हाँ जी हाँ जी और हमारा जो मन थोड़ा सा बहल जाता है ये हवाएं चली हैं यहाँ पे बहुत और कुछ पंछियों की चंचनाहट सी नज़र आ रही है सुनाई दे रही है और ये देखिए आप नज़ारा देखिए यहाँ का और यहाँ पर जहाज जाते आपको दिखाई देगा क्योंकि साथ में ही अपना हेलीकॉप्टर का सेंटर है यहाँ पे एयरपोर्ट है यहाँ पे एयरपोर्ट यहाँ पे नज़दीकी है ज़्यादा दूर नहीं है और ये रोजगार के लिए आपने रोजगार के लिए कंपनी का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को घर चलता रहे लोगों का और लोगों का जो टाइम है वो भी समय पर निकलता रहे। वही आइए हम बहुत दिन के बाद आज खेतों में आए हैं और यहाँ पर आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है गाय का चारा लाने के लिए और
देखिए हम किस तरह इस खेत का कटाई करेंगे धीरे धीरे, ये कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। फिर दोबारा लगा टांगे, देखिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, देखो आप कैसे कटाई करती है यहाँ पे। चलिए कर दी बंद, डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट। गाइस हमारी इसी के साथ डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होते हुए, हमें 3 सोर्स लगे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए, बट हमारा गाय के चारे वाला डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट। इसी के साथ खुशी देख सकते हैं। ये गाइस गांव चारे का लास्ट प्रोसेस, ये लास्ट प्रोसेस है ना, इसके बाद डलेगा। हाँ जी, हाँ इस काम में थोड़ा रिस्क है हाथ कटने का, तो ध्यान रखा जाए, इसके बारे में मामा से भी बाद में बताएंगे। हमारी दो शब्द, हाँ दो शब्द। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाओ। सो गाइस ये मामा जी की डॉक्यूमेंट्री का लास्ट शूट, प्याज के साथ दही है, तो आज मामा जी हमें बूंदी खिलाएंगे, और इसी के साथ मामा जी भी आप थोड़ी ब्लॉगिंग करेंगे। फिर आप कीजिए कुछ, बोलो। प्याज काटते हुए इसने देखा क्लोज अप करके, मेरी फ्लैश अनअवेलेबल इस टाइम। प्याज को सही काटन, बराबर में सही काटने का तरीका है। इससे आपकी रेसिपी में आपकी बनाई हुई मैं आऊँगा जी, बराबर कटी, हर पीस बराबर कटेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी खाने की। नाइफ दिखाइयो, नाइफ आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, कटर ये भी आपको बहुत काम आएगा। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है गाइस, वो है आंखों से, ये बहुत ही महंगे कीमती आंसू। नहीं मामा जी रोना नहीं होता है। ठीक है टाइटल, प्याज जमान तेज तेज है ना मिर्चा, पर टाइटल अच्छा है ना, मामा जी को मामी छोड़ के चले गाइस सब सब। कोई ना मामा, होता है होता है। डाल दिया दही, ज़्यादा डाल दी, प्याज प्याज तो बाहर जाएगी, कोई नहीं, अच्छा है अच्छा है। इवनिंग वॉक पे सो गाइस, हम आज इवनिंग वॉक पे ना, ढंग से बताओ किस तरह बोलना स्क्रिप्ट। तो इधर से आगे बोलती मैं, चलो फिर चलें आज हम, तब मैं आगे की तरफ जाना, धीरे धीरे से बोलूँगा मैं, ठीक है पहले बोलिए दोस्तों आज हम।